नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आप लोगों ने थंबनेल में ठीक पढ़ा, कहानी के अंत में यही है। पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कहानी शुरू होती है दिन 22 जुलाई सन 2016, शाम के लगभग 5 या 6 बजे हुए थे। मैं बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे हो चुके थे मुझे बस का इंतज़ार करते, मैं काफ़ी थक चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम में बहुत नमी थी, बहुत सुहाना मौसम। कि तभी एक कार आकर रुकती है वहाँ पर। कार में से एक लड़की मुझे आवाज़ लगाती है, सुनिए जॉर्ज टाउन का रास्ता बता दीजिए। मैंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती को देख कर उसमें खो गया था। बहुत खूबसूरत है वो। उसने दोबारा आवाज़ लगाई, हेलो महाशय जॉर्ज टाउन का रास्ता बता दीजिए। फिर मैं बस स्टैंड के शेड से निकल कर जल्दी से उसकी कार के पास गया। मैंने उसको रास्ता बताया, उसने कहा थैंक यू। मैंने उससे हेल्प मांगी, मैंने बोला कि आप क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकती हैं, मैं काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा ऑफ कोर्स बैठ जाओ। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर मैं नज़रें चुरा कर सिर्फ उसे ही देखता रहा। मेरा जी ही नहीं कर रहा था उससे निगाहें हटाने को। मैं उसे रास्ता बताता कि वो गाड़ी चलाती गई, हम जॉर्ज टाउन कब पहुँच गए मुझे पता ही नहीं चला। जॉर्ज टाउन पहुँच गया, उसने मुझे ड्रॉप किया और वो आगे चली गई। मैं रात भर उसके ख्यालों में खोया रहा। दूसरे दिन 2 या 3 बजे थे कि मेरा दरवाज़ा खटकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही खड़ी थी जिसके ख्यालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, अभी वो मेरे सामने खड़ी हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रिएक्ट कैसा दूँ, मैं खुश हो जाऊँ, मैं आश्चर्य हो जाऊँ, मैं क्या कर लूँ। काफ़ी शॉकिंग भी था मेरे लिए कि ये यहाँ कैसे, क्यों। वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड लौटाने आई थी जो मैं उसी गाड़ी में भूल गया था। उसने मुझे कार्ड दिया, मैंने उसको अंदर आने को बोला तो उसने मना कर दिया। शायद वो मेरे छोटे से कमरे में नहीं आना चाहती थी। वो अपनी गाड़ी के पास तक जाती उससे पहले बारिश होने लगी, तो मैंने उसे बोला कि आइए बैठ जाइए, थोड़ी देर में चले जाइएगा, बारिश रुक जाएगी तब। तो फिर वो अंदर आकर बैठ गई। उसने निगाहें घुमाकर पहले पूरे कमरे को देखा, अजीब सा मुँह बनाकर बैठ गई। मुझे आभास हो गया था कि बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाली लड़की उसे कहाँ मेरा छोटा सा कमरा पसंद आएगा, पर ठीक है अब जो है सो है। कुछ देर ऐसी बातचीत होने लगी तो उसने मुझसे पूछा कि अब क्या करते हो। मैंने कहा फ़िलहाल तो कुछ नहीं करता हूँ, बाकी जॉब ढूंढ रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी। उसने कहा कि मैं एक NGO चलाती हूँ, मुझे उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, क्या तुम काम करना चाहोगे। मैंने कहा आप बस, मैं तो जॉब ढूंढ ही रहा हूँ। तो मैंने उसके NGO में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर ली। मैं उस जॉब को पूजा की तरह करने लगा क्योंकि वो जॉब मुझे उस इंसान ने दी थी जिसे शायद मैं पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। मैं उस जॉब को पूजा की तरह करने लगा। बहुत मन लगा कि मैं काम करता था उस NGO को, मैंने काफ़ी प्रॉफिट्स भी कराए। 6-7 महीने काम करते करते हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। हमारी जो दोस्ती हुई थी वो एक अलग स्तर पर जाने लगी। मैं तो मन ही मन उससे मोहब्बत करता ही था। एक दिन उसने भी मुझे प्रपोज किया एंड शी सेड आई लव यू राहुल एंड डेफिनेटली आई सेड आई लव यू टू। मैं क्या कहता, मैं बहुत खुश था उस दिन। दिन के बाद से हम लोग साथ में रहते, साथ काम करते थे, काफ़ी इंजॉयबल हमारी लाइफ चलती थी, मस्ती किया करते थे। और एक दिन उसके बर्थडे वाले दिन वो इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को अपने फ्रेंड्स को बताना चाहती थी। उसने कहा कि बेबी मैं अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने साथ वालों को ये चीज़ें बताना चाहती हूँ। ऑफकोर्स तुम्हारी मर्जी। तो उसने बर्थडे पार्टी रखी और ये चीज़ अनाउंस करने का किया। उसके पहले ही कुछ देर पहले वो एक अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी, लड़का था। डांस करते करते मैं दूर से उन लोगों को देख रहा था। वो लड़का उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था, गंदे तरीके से, क्योंकि मैं दूर से बैठा देख रहा था तो मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मैंने जाकर उस लड़के को जोरदार तमाचा रख दिया। इस चीज़ पर उससे ये लगा कि मैं उसकी बेइज्जती करना चाहता हूँ, मैंने उसकी इंसल्ट की। यानी उसने क्या जो भी सोचा, उसने मुझे थप्पड़ मारा और बेइज्जत करके बाहर से और अपनी नौकरी से दोनों से निकाल दिया। उस दिन ये बात समझ में आई कि पैसा जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। उस दिन ये बात दिल बहर से गूंज रही थी कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बदला लूँगा, इंतकाम लूँगा। और उस वक्त मैं शायद खुद को संभाल ना पाता या हताश हो जाता, कुछ भी हो जाता, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर लोगों के सामने परोसना शुरू किया।
सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों से बातें करना शुरू किया, मैंने कहानियाँ सुनाना शुरू करी, मेरे मन के विचारों को मैं लोगों को सामने रखने लगा और लोगों ने उसको सराहा, लोगों को वो चीज़ पसंद आने लगी, धीमे धीमे लोग जुड़ने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा परिवार बन गया। आज मैं बड़े बड़े शहरों में शोज करने जाता हूँ, लाखों लोग मुझे सुनने आते हैं और आज मैंने उसका एनजीओ भी खरीद लिया है और उसी एनजीओ में मेरे नीचे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रही है। पर मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि उसे बेइज्जत करना, उसे जलील करना या उसका अपमान करना। कुछ यादें हैं, कुछ सुख है, एक अजीब सा सुकून है मन में कि जिससे मोहब्बत की वो कम से कम मेरे सामने तो है। बस ऐसे ही मैंने इंतकाम किया, जो भी आप लोग से कह लीजिए उसे। जाते जाते आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि धैर्य जीवन का सार है। गुस्सा, ईर्ष्या, भेदभाव, झूठ, कपट से आप खुद को बड़ा बना सकते हैं, खुद के सम्मान को बड़ा नहीं बना सकते हैं। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, खुद को सम्माननीय बनाने के लिए सामने वाले को सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान सम्मान का हकदार है, चाहे वो आपसे छोटा हो या वो आपसे बड़ा हो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। आज मेरा है तो कल आपका होगा, कल आपका है तो परसों किसी और का होगा, और किसी का नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करके उत्साह बढ़ाइए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।